हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो देखो यार, आज के क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस राइट नाउ? ओके, राइट नाउ हु इज़ द फाइनेंस डिफेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया? भारत गणराज्य में आने वाले अभी जो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है? यार वो जस्ट अभी आई है, उसका बड़ा ही स्वीट नाम है। वो कौन है? फ्लोरेंस पार्ले। द नेम इज़ फ्लोरेंस पार्ले। वाटर नेम फ्लोरेंस पार्ले। ठीक है, द आंसर इज़ ए। ठीक है, तो यार इनके बारे में और क्या जानते हैं? ये इंडिया आई है, किस लिए आई है, कभी सोचा है अपने? ये तो ग्रुप डी का क्वेश्चन है यार। ठीक है, लेकिन आप कोई अच्छा एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, ठीक है, तो इंटरव्यू में तो पूछेगा यार क्यों आ रही है, इंडिया और फ्रांस का भी क्या चल रहा है, वो तो पूछेगा यार। तो देखो यार, सिचुएशन क्या है मैं बताता हूँ। सी विजिटेड इंडिया, ओके, जस्ट मीट ऑन मीटेड विद राजनाथ सिंह, ओके, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड विद द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह, ओके, एंड हु इज फॉर डिफेंस मिनिस्टर? डिफेंस मिनिस्टर इज राजनाथ सिंह। ओके, तो राजनाथ सिंह से तो इनकी मुलाकात हो गई। तो देखो यार, बात क्या हो रहा है, देखो ये चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ें ध्यान देने वाली है, आपके इंटरव्यू में पूछी जाएगी 100%। अगर आप बीपीएससी देते हैं या उत्तर प्रदेश का देते हैं, झारखंड का देते हैं, या इफ़ यू आर गिविंग एनी एग्जाम इंक्लूडिंग तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ओके, देखो इंडिया ने क्या किया था, 36 रफाइल का ऑर्डर दिया था। ठीक है, रफाइल का ऑर्डर दिया। ठीक है यार, इसको बताने के पहले देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ ना, अभी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का क्या हुआ ना। ऑस्ट्रेलिया जो था वो फ्रांस से ख़रीदने वाला था न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया क्या किया, वो यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन या इंग्लैंड बोलते, उससे ख़रीदने जा रहा था। फ्रांस के पास जो ऑलरेडी इतना करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पाया था वो तो लॉस हो गया। उसी के लिए क्या किया, फ्लोरेंस पार्ले को फ्रांस को इंडिया में भेजा। ठीक है, इंडिया ऑलरेडी 36 ठीक है रफाइल को ख़रीद चुका है, जिसमें 33 आ चुका है। ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है, 3 आना बाकी है, और 5 शुरुआत में आया था। ठीक है, 5 जो कहा तो शुरुआत में ही आ गया था। और इसको बनाने वाला कौन था, डसॉल्ट एविएशन। ठीक है, इनसे बना के गई थी। ठीक है, इनका कितना अमाउंट का था, ये इंडियन करेंसी में 59,000 करोड़। आपको क्या लगा यार, 1000 है क्या करोड़ में यार ये? तो एक चीज़ और देखो यार, इंटरनेशनल के लिए देखो क्या है कि इंडिया का इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना, ये याद रखिए, आपको ग्रुप डी में बीसीएससी में पूछी जा सकती है, उसका नाम क्या है, विक्रांत। विक्रांत का क्या काम है, ये जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब कि आपकी जो जहाज होती है ना, वो जहाज को लेके जाएगा। ठीक है, मतलब कैरियर करने वाला, उसी को बोलते हैं विक्रांत। विक्रांत इंडिया में पहला बिल्ड है। अब इससे बढ़िया आ जाती है सबमरीन। ठीक है, अब बात करते हैं सबमरीन की, न्यूक्लियर बेस्ड। इंडिया ने बहुत सारे सबमरीन घर पे ही बनाया, मतलब अपने घर में भी जो कि इंडिया ने बहुत सारे सबमरीन को बनाया है। ठीक है, राइट। अब आ जाती है बात किसकी, पता है, न्यूक्लियर बेस्ड मिसाइल की। ठीक है, सबमरीन की, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन, वो इंडिया ने आज तक नहीं बनाया। उन्होंने जब भी लिया है इंडिया को तो लीज पे मिला है। ठीक है, इंडिया ने बहुत बार ख़रीदने की कोशिश भी की, लेकिन कभी भी उसको नहीं दिया गया, चाहे वो सोवियत रसिया हो, सोवियत यूनियन हो, जिसका नया नाम अब क्या है, अब रसिया बन गया, कभी भी इंडिया को नहीं दिया। वो क्या दिया, हमेशा लीज पे दिया, मतलब भाड़ा पे दिया। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़ हो रही है कि अभी जो आया फ्रांस जो आया है, फ्रांस की डिफेंस जो फ्लोरेंस पार्ले, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया इंडिया को कि हम न्यूक्लियर बेस्ड जो है, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन जो है इंडिया को, भारत को देने के लिए रेडी है वो।
मतलब वो बेच रही है, ठीक है, बेचने के लिए रेडी है। बताओ इतनी हैवी टेक्नोलॉजी है, बताइए आप सोचिए, इंडिया में IIT है, NIT है, IISER है, मतलब एक सबमरीन नहीं बना पाई, हम ये इसमें पीछे हैं। तो आप इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली यार, दो चीज़ें याद रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक सोवियत यूनियन USA इंडिया को आज तक कभी भी न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन नहीं दिया है, ठीक है, समझ में आ गई, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन भारत को नहीं बेचा है, इंडिया को बहुत ज़्यादा। US के बारे में तो यार ये कहा जाता है कि मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, ये इंडो चाइना का वार हुआ था, तो USA ने सेटेलाइट इमेजेस देने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने क्या ये दो ऑर्गेनाइजेशन पे इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा कर दिया, उसको बनाया, उसको बढ़ाया, ठीक है, सेटेलाइट इमेजेस के कारण। तो इंडिया के अभी सब कुछ सही है, चल रही है इंडिया में, यार एक टेक्नोलॉजी की कमी है इंडिया में, वो है न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन, ठीक है। और ये पार्ले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद फ्लोरेंस जो है कि बेचने के लिए रेडी है, ठीक है, इंडिया को न्यूक्लियर बेस्ड यानी कि परमाणु के साथ जो होते हैं ना सबमरीन, उसको, ठीक है। और 36 रफाले का तो ऑर्डर दे चुका था, 33 आपको मिल चुका है, ठीक है, और भी अगर ज़रूरत है तो वो फ्रांस भारत को बेचने के लिए रेडी है। अब वहाँ के देखो, इसके साथ एक चीज़ और है, इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है, फ्रांस का क्या है, प्रेसिडेंट है, ओके। और इसके बारे में एक चीज़ और मैं बताता हूँ, फ्रांस जो है ना, फ्रांस दो तरह की थी, एक तो वीची के अंडर में थी, ठीक है, और एक वर्ल्ड वार टू के बाद एक बना था फ्री फ्रांस, क्या बना था, फ्री फ्रांस, ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें, यही है जिसकी कैपिटल पेरिस। और आपने सुना होगा बहुत सारे जो भी होती है ना मीटिंग्स वगैरह पेरिस में होती थी, क्योंकि पेरिस जो था उस वक्त फ्री था, पेरिस एक अलग तरह का ही था, ठीक है। उसके बाद क्या गया, फ्री फ्रांस ने पेरिस पे कब्जा किया, विची फ्रांस के अंडर में पेरिस था ही नहीं, वो अलग था, ठीक है, बाद में पेरिस को कब्जा किया, उसको कैपिटल बना दिया, राइट। विश्व युद्ध द्वितीय तो आपको पता ही है यार क्या होता है यार, देखो हम आपको आपके लिए ला रहे हैं 1,000,000 MCQ है, ठीक है, वो बस आपको ज़्यादा नहीं, बस 499 लगानी है आपको, 1,000,000 MCQ मिल जाएगा, जितने सब्जेक्ट है उतने, चाहे आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप स्टेट BCSE या TNPSC, ठीक है, हमारे साथ दो बैचे चलती है, इंग्लिश क्वेश्चन, हिंदी सॉल्यूशन, इंग्लिश क्वेश्चन, इंग्लिश सॉल्यूशन, ठीक है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं यार। इसको शेयर करना मत भूलना, अगर आप शेयर करने भूलते हो तो यार ये बहुत ही बड़ी आपकी गलती होगी, प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है।